धन्यवाद देता हूँ। श्रद्धेय सम्मानित मंच एवं सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध जनों का मैं नमन करती हूँ। मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मेरी पुस्तक का विमोचन का शुभ अवसर है। साथ ही मेरे छोटे भाई श्री कृष्ण कुमार जी की के पदोन्नति के पश्चात विदाई समारोह भी है। आप नया दायित्व लेकर अपने कार्य क्षेत्र टिहरी में जा रहे हैं। हम सब मंगल कामना करते हैं कि वहाँ भी उत्साह ऊर्जा व निष्ठा से अपने कार्य का निर्वहन करेंगे, जैसा कि आप हमेशा से करते ही आए हैं। हमें आपके द्वारा दिखाया सन्मार्ग सदैव प्रेरित करता रहता है। वह आपकी व्यवहार कुशलता, हसमुख व्यक्तित्व व हाजिर जवाबी हमें हमेशा आपके साथ जोड़े रहेगी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि देश भर में स्वामी विवेकानंद की शारसती समारोह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसी श्रृंखला में आज का यह कार्यक्रम है। स्वामी विवेकानंद बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न महान भारतीय विभूति थे, जिनका उद्भव ऐसे समय में हुआ जब हमारा देश हजार साल की गुलामी, गरीबी और धार्मिक उत्पीड़न से ग्रस्त था। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में अखिल विश्व सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने दुनिया भर के धर्म प्रतिनिधियों के समक्ष भारतीय सभ्यता, संस्कृति और हिंदू धर्म की महानता को सिद्ध किया और अपने व्याख्यानों द्वारा प्रतिनिधि सभा को आश्चर्यचकित कर दिया तथा हिंदू धर्म, संस्कृति, साहित्य, संस्कार जानने और समझने के लिए संसार को प्रेरित व उत्साहित किया। विदेशों में हिंदू संस्कृति का पुनः जन्म व पुनः स्थापना का श्रेय स्वामी जी को ही जाना चाहिए। उनके विचार सुनकर हिंदुओं में आत्मविश्वास एवं अतीत के प्रति गौरव की पुनः स्थापना हुई। उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित भारतीयों के मन में जड़ता व हीनता को दूर कर अत्यंत प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी होने का बोध हमें प्राप्त कराया। मैं मानती हूँ कि सम्राट अशोक के धर्म प्रचार के पश्चात विदेशों में धर्म प्रचार की सफलता यदि किसी को मिली है तो वह स्वामी विवेकानंद ही। ये मेरा विश्वास है कि सम्राट अशोक के धर्म प्रचार के पश्चात स्वामी विवेकानंद ही विदेशों में अपना हिंदू धर्म प्रचार फैलाने में सफल हुए। स्वामी जी ने देश के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी और निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए आदर्श रखा गुरु गोविंद सिंह साहब का, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाया, रण क्षेत्र में अपने बेटों को बलिदान होते देखा, फिर भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए, अडिग रहे। स्वामी जी देश सेवा को सर्वोपरि मानते थे। आपका सारा जीवन राष्ट्र आराधना और चिंतन से ओतप्रोत है। हम जब भी स्वामी विवेकानंद की रचनाओं तथा व्याख्यानों को पढ़ते हैं तो उनमें एक बड़ी विचित्र बात पाते हैं कि वे कभी पुरानी नहीं लगती। यद्यपि ये बात आज से 100-125 साल पहले की कही गई थी, तथापि आज भी तरोताजा लगती है। स्वामी जी के व्यक्तित्व से मैं प्रारंभ से ही प्रभावित रही हूँ। उनके सारगर्भित विचारों से मैं आजीवन प्रेरणा भी लेती रही हूँ। मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना शारसती के अवसर पर मैं भी अपना छोटा सा योगदान दूँ। आज अपने जीवन की व्यस्त दिनचर्या में संपूर्ण साहित्य पढ़ने का मौका सभी निकाल नहीं पाते हैं, कुछ ही लोग समय निकाल पाते हैं, तो क्यों ना स्वामी जी के जो अनमोल विचार हैं और मार्गदर्शन है उनका एक संग्रह और वे या संकलन किया जाए, जिससे जो भी अपने व्याख्यानों में स्वामी जी के विचारों को शामिल करना चाहे, अपने लेखों में उनके प्रेरक संदेशों को रखना चाहे, बच्चे अपने निबंधों में शामिल करना चाहें, तो उनके लिए सुलभ संग्रह
यह संकलन है। इसी कोशिश का परिणाम आपके समक्ष मेरी इस पुस्तक के रूप में है। आपसे अनुरोध है कि विवेकानंद के अनमोल वचन जो मेरे सामने ना आए हो उनसे मुझे अवगत कराएं। मेरा ईमेल पुस्तक के पीछे लिखा है। आप सभी को अपनी उपस्थिति व मार्गदर्शन द्वारा मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी के एक संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उन्होंने कहा था, ऊंची अभिलाषा रखो और अपनी जाति, देश, राष्ट्र, समग्र मानव कल्याण के लिए आत्मसर्ग करना सीखो। धन्यवाद। प्रणाम। जैसा कि मैंने मीनाक्षी